नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ है उस हवाले से ताजा तफसीलात के साथ, क्योंकि आज जम्मू श्रीनगर के पुराने हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा चनैनी के प्रेम मंदिर के पास तब पेश आया जब एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए उधमपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मों के ताव ना सहते हुए उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ये चारों लोग रामबन के गुल संगलदान इलाके से कार में सवार होकर उधमपुर की तरफ आ रहे थे और ये सफर इनके लिए आखिरी सफर साबित हुआ। मृतकों की पहचान आदिल, हजरा बेगम, अब्दुल हमीद और जमालदीन के रूप में की गई है। तो ये जो है हमारी पुप्पी जी हैं और पुप्पू जी हैं, वो संगलदान से आ रहे थे उधमपुर के लिए। उनका कुछ यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह था तो चनानी के पास में उनका एक्सीडेंट हुआ है और चार बंदे थे, चारों की डेथ हो गई है। हमने देखा और फोटो वगैरह देखी हमने, तो तवी के पास में जा गिरी है गाड़ी। जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस और नेहरू मार्केट के व्यापारियों ने संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। संस्कृत भाषा पर उन्होंने जोर दिया। इस पहल के तहत कल यानी कि मंगलवार से वेयरहाउस और नेहरू मार्केट में संस्कृत बाजार का शुभारंभ होने जा रहा है। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि संस्कृत बाजार के तहत सभी व्यापारी अपनी अपनी बिलिंग भी संस्कृत में करेंगे और तमाम वस्तुओं के नाम भी संस्कृत भाषा में दर्शाए जाएंगे। हमारा विशेष प्रोग्राम है वेयर हाउस के अंदर, हम जो है एक संस्कृत बाजार जो है खोलने की घोषणा कर रहे हैं और कल जो है हमारे ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के अंदर जो है और तमाम वहाँ संस्कृत बाजार जो है खुलेगा और उसका मकसद ये होगा कि हमारी जितनी भी आइटमें हैं वो संस्कृत में होगी, उनका बिल जो काटने का काम जो है वो संस्कृत में होगा और उसका जो दायित्व जो है हमारे मदन मोहन झा जी हैं और उनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृति के उनके बच्चे जो है वो कल हमारे यहाँ पे आएंगे और विशेषकर दुकानों पे सजावट की होगी संस्कृत के लिए और वो हमारे व्यापारियों को और जो भी हमारे अतिथिगण यहाँ व्यापारियों के सामान लेने आते हैं उनको हम संस्कृत भाषा थोड़ा जो है ज्ञान देना चाहते हैं। कार्य करते थे वो हमेशा। जम्मू में पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे कश्मीर घाटी में तैनात आरक्षित वर्ग के सरकारी मुलाजिमों के परिजन भी अब तनावग्रस्त हो रहे हैं। इन बुजुर्गों के बुढ़ापे के सहारे सरकार से उन्हें सुरक्षित जगहों पर तैनात करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी वजूद में नहीं आ पाई है। इन मुलाजिमों के परिजनों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल प्रशासन से अपने बच्चों की सुनवाई करने की मांग की। उम्मीद करने आंदे अगे कि वह इंदे बच्चे की जड़ी है आवाज सुन और एल जी साहब तक पहुँचाण, असी बड़ी उम्मीद करने। मैं एक टेलर मास्टर का काम करना, दर्जी का काम करना, मेरा एको बच्चा है जोड़ा वह श्रीनगर के बच्चे बैठे दा। मैं खुद एक हैंडीकैप बंदा, यह देखो मेरी बांह एक कोहलू च आ गई ही, मशीन च आई ही, एक कंडीशन है मेरी और मैं बड़ी मुश्किल करना अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए इतों तक पजाए कि अज जिले इन्हें नौकरी लगी सानू बड़ा सहारा होया। बड़ी उम्मीद हुई, बड़ी खुशी हुई कि साढ़ा बुढ़ापे का सहारा बनी है, लेकिन हूँ अज वो बच्चे जड़े नौकरी पर नहीं जा सकते, अस अगर भेजचै तो कियां भेजचै। मैं एक हार्ट का पेशेंट भी हाँ, मेरी मिसिज भी बीपी की पेशेंट है और मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, उइयो बच्चा साढ़ा सहारा है। अस दिखते हाँ कि उन्होंने जी है ये ट्रांसफर हुई है, बच्चे साढ़े को रोन ते असें थोड़ी बड़ी साढ़ा बुढ़ापे का जरा सहारा जरा।
श्री माता वैष्णो देवी मार्ग की शुरुआत में बाणगंगा पर नए पुल का निर्माण कार्य आज शुरू कर दिया गया। इस पुल का निर्माण कार्य श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी नींव आज पूजा अर्चना के जरिए रखी गई। बाणगंगा पर पहले से बने पुल का निर्माण दशकों पहले किया गया था, जिसकी नींव अब कमजोर पड़ने लगी थी। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से राजौरी में आज रोजगार मेला लगाया गया और रोजगार विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में जहां निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कुशल उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, वहीं कई सरकारी विभागों ने भी स्टॉल लगाकर उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का प्रचार किया ताकि युवा उनका लाभ लेकर अपना रोजगार शुरू कर सके। राजौरी के डीसी विकास कुंडल इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। हमारी ये कोशिश है कि हम जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनके बारे में जो हमारे यूथ को बताएं और उसके फ़ायदा लेने के लिए हमने उनके लिए स्टॉल्स लगाए। दूसरा, जो हमने प्राइवेट सेक्टर से जैसे महिंद्रा से लोगों को बुलाया, LIC से बुलाया, SBI से बुलाया, क्राउन से बुलाया, काफ़ी स्टॉल्स प्राइवेट वालों ने भी लगाए हैं। जो भी अपनी जो एम्प्लॉयमेंट जो उनको एंगेजमेंट जो अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो भी उन्होंने, जैसे पिछली बार जो हम सिर्फ 32 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में कामयाब हुए थे, आज हमारी कोशिश है कि आज हमारी फिगर जो है 100 से ऊपर जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमारी जो एम्प्लॉयमेंट वो होनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इस जॉब फेयर के बारे में लोगों को बताएं और हमारे जो ये जैसे आज ये स्टॉल यहाँ लगा है, रेगुलरली इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस में हमेशा से अवेलेबल है। कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जाके वहाँ पे रजिस्टर करा सकता है और वहाँ जाके अपनी ये इनको इनका काम है कि इनको काउंसलिंग करना, इनको काउंसलिंग करेंगे अगर वो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अभी टाइम है तो वो उनको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में ब्रीफ कर सकता है, बता सकता है, काउंसलिंग कर सकता है कि आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं या किस प्राइवेट एंटरप्रेनर के पास जाके आपने लिए कोई ना कोई जो जॉब का माध्यम जो है उसके थ्रू वो अपने लिए जॉब पा सकता है। रियासी जिले की पौनी तहसील की डडुआ पंचायत के लोगों का गुस्सा आज सातवें आसमान पर जा पहुंचा। ये लोग सुम्बा डंगा से लेकर डडुआ जगीर तक सड़क के करीब 3 किलोमीटर हिस्से की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में आज बाहर निकल आए और सड़क मार्ग बंद कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और लोगों को सड़क की जल्द मरम्मत करवाने का आश्वासन देकर यह प्रदर्शन खत्म करवाया गया। डीसी मैडम जो अभी श्रीमती बबीला रखवाल जी हैं, इन्होंने जब आई हैं तब से इन्होंने अपना एफर्ट लगाया है और इसको एक नई DPR बनवा के अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना इसमें योगदान करते हुए इसको चीफ इंजीनियर साहब तक हमारे पहुंचाया हुआ। और ये जो DPR है ये 5,08,00,000 की बनी है। अगर ये सेंक्शन हो जाती है तो इसमें टेंडर लग के दोबारा काम लगे तो ये सड़क पूरी हो सकती है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर ये जो DPR नहीं बनी हुई है, रिवाइज DPR जैसे हम कहते हैं, अगर ये सेंक्शन हो जाए तो ये काम अच्छी तरीके से हो जाए। सुरनकोट के जोगी मोड़ के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते करीब 5 महीनों से उनके घर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है और जब इसकी शिकायत विभागीय अधिकारी से की गई तो वह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे जाम कर प्रशासन से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की। वहीं रोड जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे SHO सुरनकोट ने लोगों को समझा बुझाकर यातायात को किया। कहते हैं हमने आपका ठेका नहीं उठाया है, जो हमारे मुलाजिम है उनकी चाय पानी करो। वो तनख्वाह भी तो लेते हैं ना, हम कहाँ से चाय पानी करेंगे? हमें इतनी परेशानी हो रही है, हमारे घर में हमें पीने के लिए पानी नहीं है, हम इतने 5 महीने से परेशान है। डी साहब को भी हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दो। कह रहे हैं कि नीचे से मोटर चलाने वाला कोई नहीं है। कितनी देर से पानी बंद? 5 महीने से पानी नहीं आ रहा है हमको, हम इतने परेशान है। हमारे घर में हमें पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जय साहब आगे से कह रहे हैं हमने आपको कोई ठेका उठाया, उन्होंने नहीं उठाया तो किसने उठाया ठेका हमारा?
जब से सुरनकोट में नेचुरल कैलमिटी हुई है उस दिन से लेके आज तक हमें जो पानी नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है हफ्ते में एक दिन मिल रहा है, अगर जेई को कॉल कर रहे हैं वो ए पे लगा रहा है, ए डी पे लगा रहा है, डी एक्सिन पे लगा रहा है। अब सभी जो एक दूसरे में यानी ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं कि ये करेगा वो करेगा, मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि यहाँ का जो जितना भी लोकल स्टाफ है उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, कहीं बाहर भेजा जाए और बाहर का स्टाफ यहाँ पर लाया जाए। और दूसरी बात जो है, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है ये पानी नहीं मिल रहा है। और दूसरी जो खास बात ये है कि जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब को भी चाहिए, वो सिर्फ अपने वार्ड के चेयरमैन नहीं है बल्कि पूरे सुरनकोट म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। और साहब 15 दिन से हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है, इनके एई को फोन करते हैं, फोन नहीं अटेंड करता, जेई को करते हैं वो कहता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ठीक है इनका परसों कब आएगा हमें उस चीज़ का पता नहीं है। लिहाजा हमें हमारी डी सी पुंछ, एई पुंछ, वो क्या नाम है डी साहब पुंछ, जितने भी हैं महकमे के, हम सब से इनको मौजबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पानी से मर रहे हैं, हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं मिला, एक पानी ना होने की वजह से हमारी इतनी परेशानियां आज बनी हैं, जो कि इतने हजारों लोग जो है दरबदर हुए हैं, ठीक है। हमने इनको बारहा मुतलमा किया कि भाई आप हमारी सप्लाई को बहाल करो वरना हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ेगा। कोई मांग रहेगी सरकार से? बिल्कुल हमारी ये मांग रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ये लोकल मुलाजम है इनको दफा किया जाए, इनको बिल्कुल कोई इनको ये हमारी बात सुनते नहीं है, और नहीं यही सुनता, ना जेई सुनता, ना डी सुनता, कोई भी नहीं सुनता, ट्रांसफर किया जाए और कोई अच्छा मुलाजम लाया जाए जहाँ से जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके, हमारी आवाज को सुन सके। ये पानी की यहाँ वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 पानी की प्रॉब्लम बनी हुई है। ऐसी से बात करो ऐसी कहता डी मेरी नहीं सुनता। एक दिन हमारा डेपुटेशन गया पुंछ में, हमने डी को वहीं बुलाया एससी के पास, और डी ने वहां भी परवाह नहीं की। आप एक एससी को कहता है डी का जो आपने करना कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। जब एससी और डी की यह हालत है तो दूसरे स्टाफ की हमको क्या कहें? ये कहता है कि यही मेरी नहीं सुनता, यही कहता है डी नहीं सुनता। एक स्मित भाई, यही डी कहता है कि एससी मेरी नहीं सुनता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं डीसी पुंछ से पूछना चाहता हूँ, ये अफसर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है फिर आप इनको किस लिए यहाँ पे 1,00,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हो? खोड़ में आज हमीरपुर वॉलीबॉल लीग की शुरुआत हुई, जिसका आयोजन सेना द्वारा करवाया जा रहा है। इस लीग में 17 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस खेल में अपना कौशल दिखाने का सुनहरा अवसर दिया गया। लीग के उद्घाटन के अवसर पर खोड़ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन डिप्टी राम व सरपंच पठान सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इससे ये होगा कि बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बच्चे नशे से मुक्त रहेंगे। जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको अच्छा प्राइज मिलेगा। मेरे म्युनिसिपल कमेटी खोड़ के भी 2 टीमें यहाँ पर हैं, मुझे उम्मीद है कि वो टॉपर आएंगी, यहाँ पर विनर होके जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। हड़ताल पर गए अर्बन लोकल बॉडीज की सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से उनकी गुहार सुनने का आह्वान किया है। हड़ताल पर गए इन सफाई कर्मचारियों ने कठुआ में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया और उन्होंने बताया कि एक बार फिर हड़ताल पर जाने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा सरकार को अब की बार उनकी मांगे हर सूरत में माननी होंगी। क्योंकि सिवाय हड़ताल दे साढ़े कोल और कोई ऐसा एजेंडा या ऐसा कोई हथियार नहीं है जिदे तक साड़ी आवाज है जिहड़ी गवर्नमेंट तक पहुंचे। और सर डिमांड साड़ी ये है कि साढ़े जिन्हें भी सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर प्लस अदर दैन स्टाफ जो भी कमेटी का साड़ा है म्युनिसिपैलिटी का उन्हें परमानेंट किया जाए, 2.5 दिन की सैलरी दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और साढ़े SRO 43 जिन्हें भी पेंडिंग केस है वो सारे के सारे क्लीयर किए जान। चुकाने जिदन कोई मकसद मिलेगा वो तो पहले नहीं चुकाने, क्योंकि चलो अभी सारे टाइम देता अपने अफसर चेयरमैन साहब जी ने भी अभी हर कभी मजबूरी भी समझी है भी नहीं है, लेकिन हूँ साड़ी मजबूरी समझना इनका फर्ज है भी साड़ी भी प्रॉब्लम है, रोटी तो भी आत रहे जो बंदे बेचारे 9,000 नहीं गुजारा हो रहा हूँ इनकी भी मजबूरी समझो, क्योंकि अभी कुछ पब्लिक थोड़ी साढ़े प्रॉब्लम पै गई, एक मातमदारी है एक शादी ही इस कारण थोड़े बंदे घट है, लेकिन मैं यो वादा करना जी अपनी कठुआ बरादरी भी अपने डिस्ट्रिक्ट भी कि जी हड़ताल है अज तो जारी आ तो जारी रहेगी, उन्नी देर नहीं उठा जिन देर कोई मसला नहीं हल होगा। जय हिंद, जय भारत।
रामगढ़ से बीडीसी सदस्य देसराज ने आज सुलह पंचायत का दौरा कर वहां पर सीएफसी के तहत बनने वाली शेड का निर्माण कार्य शुरू करवाया और इस शेड की नींव रखने के साथ साथ उन्होंने स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर उनके मन की बात सुनी और बिजली पानी व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं संबंधित मुद्दे जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। आज यहाँ सुलाम पंचायत में जो सीएफसी एक जो है शेड जो बनाया जा रहा है, ये 10 लाख इसकी कास्ट है। तो ये पंचायती जो पीआर की क्वेस्ट जो है उसमें बनाया जा रहा है, तो मैं मुबारक देता हूँ सरपंच साहब को भी और जो जहाँ के ठेकेदार हैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि जल्द से जल्द इसका काम जो है शुरू किया जाए और जल्द ही खत्म किया जाए। आज जो जहाँ लोगों की समस्या सबसे पहले जो पानी की थी और दूसरा जो रोड जो हमारा पीएमजीएसवाई जो रामनगर से जहां प्रिया और सुलाम में रोड आता है, तो ये काफी रोड जो है ये डैमेज हो चुका है। तो मेरी अभी एक्शन साहब से भी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए ताकि लोगों की जो है समस्या हल हो जाए, ताकि नहीं तो जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में कैडी की भूमिका निभाने वालों को गोल्फ एसोसिएशन ने एक बड़ा सम्मान दिया है। इस गोल्फ कोर्स में आज एक गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें गोल्फ नहीं बल्कि कैडीज को इस खेल में जोहर दिखाने का मौका दिया गया। टूर्नामेंट में 50 के करीब गोल्फ ने भाग लिया जिनकी हौसला अफजाई के लिए पूर्व मंत्री आर एस चिब व जम्मू गोल्फ कोर्स के सचिव मानव गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बात उन्होंने करी, हमारी ये सोच है क्योंकि ये जो कैडी है मैं देखता हूँ कि बरसात में सर्दी में गर्मी में हमारे साथ चलते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं और हमने देखा है कि शायद मैं 4 साल में इतना गोल्फ अच्छा नहीं सीख पाया जो हमारे कुछ कैडी खेलते हैं। तो हम जो नौजवान कैडी है यहाँ 22, 23, 24 साल के लोग भी हैं और अगर उनको हम इस किस्म की एनकरेजमेंट करें जीसी की मदद से या कुछ हमारे गोल्फर साथियों की मदद से अगर हम उनका समर्थन करें इस किस्म की ऑर्गेनाइज करें तो मैं समझता कुछ कैडी बाहर निकल करके अच्छे गोल्फर बन सकते हैं। बल्कि यहाँ आपको मिसाल दूंगा कि एक यहाँ कैडी था जो अभी चंडीगढ़ में है, इज ए कोच और इवन जो टॉप मोस्ट गोल्फर है वर्ल्ड का जैसे देखा जाए टाइगर वुड जो है वो भी एक कैडी था। तो कैडी में अच्छे गोल्फर बन सकते हैं और हमारी जे एंड के स्टेट जो है हमारी जो यहाँ की हमारी जो रियासत है या यूनियन टेरिटरी है इसमें से अगर अच्छे लोग हम उनको उत्साहित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जम्मू शहर के परेड बाजार व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब गंदे पानी की सप्लाई से जल्द निजात मिलने जा रही है और जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने इस इलाके में जल्द ही नई पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया। दरअसल परेड इलाके में दशकों पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी जो अब टूट फूट गई है और यही वजह है कि दूषित पानी की सप्लाई से हर कोई परेशान हो रहा था। राजकुमार और पार्षद अनिल मासूम ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर इस इलाके का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द पाइपलाइन का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए ताकि वे काम जल्द शुरू करवाया जा सके। देखिए दिक्कत जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, दुकानदार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये पाइप जो है जहाँ से गंदा पानी जहाँ कुछ आ रहा है ये पाइप जो थी ये नाली से पाइप गुजर रही है, बहुत ही पुरानी पाइप जो सारी की सारी मुझे लगता है खराब हो गई है। लेकिन मेरे साथ मेरे AW आए हुए हैं, मैंने इनको बोला हुआ है कि ये प्रपोजल बनाकर हमें ये दें उसके बाद हम इसको सेंक्शन कराकर नई पाइप लगा कर देंगे ताकि गंदा पानी जो है वो बंद हो जाए, प्रॉपर जो शुद्ध पानी है वो इनको मिले। 10-12 कनेक्शन हैं, इनमें इतना गंदा पानी आ रहा है, इतनी सिल्टिंग आती है कि पीने के काबिल नहीं है वो पानी। तो मैंने अपने चेयरमैन साहब रायकुमार जी को हेल्थ एंड सैनिटेशन के उनसे मैंने गुजारिश की थी और उन्होंने पूरा PHE का स्टाफ अपने साथ लाए, AWJE वगैरह सारे लाए हैं, इनके इंस्पेक्टर आए हैं और हमने फिजिकली चेक किया है इन पानी को और ये दुकानदार भाई जो बंधु मेरे हैं इन्होंने भी साथ होके जो पानी का जो सैंपल हमें दिखाया वाकई वो आम आदमी के पीने के लायक नहीं है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका जो प्रपोजल बनता है जो भी एस्टिमेट बनेगा कि हम इस पाइप को रिमूव करके एक नई पाइप जो है
वो इन दुकानदार भाइयों को देने जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र चमकी पंचायत नथाल के लोगों ने पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया और स्थानीय लोगों का कहना है कि आधुनिक युग में भी नथाल पंचायत पिछड़ेपन का शिकार है और इन लोगों की माने तो पंचायत में सुविधाओं के अभाव में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न यहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी है और न ही यहां पर कोई अस्पताल। समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से इस पंचायत की ओर ध्यान देने की अपील की है। ये हम मीडिया वाले का धन्यवाद करते हैं सर, इतनी देर बाद आप इधर कोई दिखाई नहीं देता हमें, आप आए हैं। हॉस्पिटल का तो नाम ही नहीं है सर इधर। अगर इधर कोई भी केस हो जाता है रात को, कोई सांप का हो जाता है, कोई डिलीवरी केस, कोई कैसा भी होता है, इधर से आज भी हम मंजे पे उठा के लेके जाते हैं जोगवा, और जोगवा जाते हैं उधर ना कोई एम्बुलेंस होती है। अगर एम्बुलेंस होती भी है उसका ड्राइवर उधर नहीं होता। अगर ड्राइवर को पहले इधर तो कोई फोन की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, जो कोई हम ड्राइवर को भी फोन करें और डॉक्टर को भी करें, इधर फोन हमारा बिल्कुल नेटवर्क है ही नहीं, टावर इधर है ही नहीं। अच्छा, कोई भी नेटवर्क नहीं, कोई भी नहीं चलता जी। तो अगर आएगा भी नहीं इधर से, हम वो ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे 3 किलोमीटर ऊपर, फिर फोन का यानी बात हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। क्या कहेंगे एलजी साहब को? हम यही चाहते हैं कि सर आज कौन सा टाइम आ गया है, लोग बड़े बड़े इधर से लोग आते हैं कोई बाहर से, उन्होंने फोन पकड़े होते हैं ना बड़े बड़े फोन, तो हम देख के हमारे बच्चे आज भी फोन देखते हैं कि इसने क्या पकड़ा है, उनको इस चीज का पता नहीं है कि ये भी फोन है, इससे भी बात होती है। मेरा नाम रमेश चंद्र सर। हॉस्पिटल नाम और निशान ही नहीं है जी। कई बार आखिर बिल्डिंग आई है, कहीं आखिर नाथल आबादी है, कहीं आखिर इतनी गर्मी नहीं आबादी है, अभी तो इतना लभी नहीं है। तो कोई पुरानी जी जोगा उ समझो अभी जाना पौधा है, कोई दूर जाना पड़ता है, कम से कम भी इतना 8 किलोमीटर है सर। तो उत्थे 8 किलोमीटर बिल्कुल ढक्की चढ़ी जाना पता, कोई रोड की फैसिलिटी भी नहीं है जी। अभी 8 किलोमीटर जा रहा बाई रोड ही आना है, कम से कम कोई 20 किलोमीटर बनता जनाब। तो उत जरा भी कोई बीमार होंगे, कोई 4 बाइर बनने कोई समझो कि लेइए तो फिर उत्थे पहुँचाने, तो कई अद्धे रस्ते बच्चे गए दम तोड़ उड़ देता। अस आखने के अभी इतने मिलनी चाहिए फैसिलिटी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की आखोगे की हॉस्पिटल की जी सुविधा वो इतने नाथल के लोगों को होनी चाहिए? अच्छा गवर्नर साहब हमें यही अर्ज करने के अभी देनी चाहिए फैसिलिटी, बिल्डिंग देनी चाहिए हॉस्पिटल की, जगह साढ़े को अस जगह देने वास्तव तैयार हाँ, हर एक चीज देने वास्तव तैयार हाँ, तो फैसिलिटी देनी चाहिए मिलनी चाहिए सानू। ओबीसी का दर्जा मिलने का विरोध कर रहा सैनी समाज लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के इस फैसले की निंदा कर रहा है। पिछड़ा के कुलकला इलाके में आज सैनी बिरादरी के युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार से उन्हें दिए गए दर्जे को वापस लेने की मांग की। युवा पूरा आक्रोश में है और ये आने वाले टाइम पे ये देखते जाइए आप, ये प्रोटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और हमारे हर एक गांव में हर एक जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप देख रहे हैं जैसे आज छोटा सा प्रदर्शन था ये बड़े लेवल पे होने शुरू हो। आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले उपकरणों के बीच भी लोगों का कांगड़ी के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। इस आधुनिक युग में भी कांगड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। पेश है परिक रिपोर्ट। कांगड़ी का ये ढेर कश्मीर घाटी के किसी बाजार में नहीं लगा हुआ है बल्कि ये ढेर जम्मू के बाजार का है। कांगड़ी के इस ढेर और जम्मू के बाजारों में सजी दुकानों में कांगड़ियों से ये साफ हो जाता है कि कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू के लोग भी कांगड़ियों के दीवाने हैं। सर अब इधर तो ठंड पड़ गई है तो उस वजह से कांगड़ी लाई हुई है, तो इसमें आग डाल के सेकते हैं ये। तो काफी जी जी जी। ज्यादातर कौन लोग यूज करते हैं इसको? ज्यादातर तो कश्मीरी करते हैं इनको यूज, तो अब इधर भी हो गए, इधर भी शुरू हो गए। अब क्या रेट रहेगा इसका इस बार? कोई पता नहीं है इनका, अभी तो पता नहीं है उतना कि क्या रेट, फिलहाल नहीं पता, अभी तो नहीं है। अभी माल आया जी? जी आज ही आ गया। जी जी। कितना माल आया ये? कम से कम है 700-800। इस किस चीज की बनती है ये कांगड़ी? ये तो उधर कश्मीरी में बनती है लकड़ी के, और इसको कैंथी बोला जाता है। सर्दियों की आहट के साथ ही जम्मू के बाजारों में कांगड़ियों की दुकानें
सजना शुरू हो जाती हैं और लोग सर्दी से राहत पाने के लिए पारंपरिक कांगड़ी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये कांगड़ी हर आदमी सेलता, डोगरा हो या कश्मीरी हो, हर आदमी सेलता। ये एक मौसम का सीजन होता है, वो हर आदमी सेलता है। जिस तरह से सर्दी ने जम्मू में दस्तक दी है, कांगड़ी बेचने वाले जम्मू के दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार उनका अच्छा कारोबार होगा और कांगड़ी का कारोबार उन्हें भारी मुनाफा देगा। जितनी होगी ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, इस वजह से ठंड बहुत पड़ेगी और हमारा कारोबार अच्छा रहेगा। सर्दियों को देखते ही इन दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी की है और घाटी के कांगड़ी बनाने वालों के साथ भी इनका सीधा संपर्क है ताकि जरूरत पर उन्हें कांगड़ियां समय पर उपलब्ध हो सकें। पूरी तैयारी कर रखी है, जब ऑर्डर देते हैं वो माल छोड़ जाते हैं, बेच देते हैं। आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले बिजली के उपकरणों के बीच कांगड़ी अब भी लोगों की पहली पसंद है। बिजली की कटौती के बीच कांगड़ी सर्दियों में लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।